सब ऐसे दिखा रहे थे कि क्यों ऐसे कर रहे हो तुम्हारे मम पापा को बुरा लगेगा तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी हमारी फैमिली का नाम ये वो ये वो तो मुझे लगा था कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा पेन को क्यों नहीं सोच रहा बट देन मेरे को बाद में पता लगी आई काइंड ऑफ डिड द सेम थिंग टू माई मदर शी सेट टू मी कि बेटा मेरा बच्चा उदास था उसको एक चीज़ चाहिए एंड देर इज़ माई हजबेंड हु नॉट वॉन्ट मी टू ट्रांजेक्शन माई फादर वॉज इन अलॉन्ग विद इट शुरू में और उनको अलग चीज़ कहिए और दोनों मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं इन्हीं दोनों लोगों से करती हूँ और वो अलग अलग चीज़ मांग रहे हैं <laughs> मतलब मैं इतनी नाखुश थी कि मेरे लिए सर्जरी का या दवाइयों का डर कम हो गया था मतलब मेरे को था कोई बात नहीं मेरे को रिस्क लेना है बट मेरे को वही लाइफ चाहिए हाउ हाउ इफ यू आर इन शेयरिंग एक्सपेंसिव इज इट टू गेट लाइक अ सर्जरी डन द कॉस्ट कैन फ्रॉम

in like say bombay uh -huh. might be a little difficult because i think people in bombay are like more accepting yeah delhi are like thursday say you know like they're like straightforward and they would tell I you things to their face. Stay, like, एक्सेप्टिंग इट्स जस्ट द लाइक वेर एवर यू गो इन दिस कंट्री हर कोई किसी ना किसी चीज़ को लेकर यू नो देर डिसेंसिटाइज सो इन बॉम्बे बिकॉज लाइक यू नो बाची कल्चर एंड सेलेब्रिटीटीज आफ देर सो आई कुड गो आउट देर रात को वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस एंड नो वन वुड केय बट इन डेली इफ यू स्टार्ट्स वेयरिंग लाइक दट एंड यू वुड नो वन वुड केयर बिकॉज हियर पीपल आज लाइक डिसेंसिटाइज दैट बट अगर यूपी में जाके सब करोगे तो देर केल बी वेरी अप टाइट लाइक every state has its pros and cons hmm. but i am a delhi girl at heart but did you ever think that I or state is other country or because <gasps> yeah obviously for the coin sometimes i'm like hm, bombay it's a little saturated so would be nice you know i go where my work you know, is the best so yeah. no, I, I surprisingly don't have like a dream destination or anything hmm. very materialistic like that whatever <laughs> the money is <laughs> okay so i would want you to introduce yourself to the viewers like you would want to and then tell me, in an interview, you said that it is your responsibility to share this journey. Mm -hmm. Why do you take that pressure? Because I think that is a pressure. हाई एवरी वन मेरा नाम एला देव वर्मा है मैं एक मॉडल हूँ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड आई एम ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड बॉन ब्रॉड अप इन डेली एंड आई एव ऑल बीन सच ए क्रिएटिव पर्सन एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई चीज़ होने से पहले सबसे पहले मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड जो आपने मेरे से पूछा था कि मुझे मेरी जर्नी शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है इज़ राइट वे इट बट प्रेशर कभी भी फील नहीं हुआ तो आई आई डोंट फील लाइक आई हैव टू गो आउट माई कम्फर्ट जोन जो मैं नैचुरली कम्फर्टेबली जितना शेयर कर सकती हूँ hmm. कर देती हूँ एंड द थिंग इज़ कि जब मेरी ट्रांजिशन शुरू हुई थी तो मेरे पास ऐसे ऑनेस्ट वन ऑन वन या फिर रियल लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस का कंटेंट इंटरनेट पे नहीं था इट वाज ऑल मेडिकल चीज़ें थी डॉक्टर्स एंड रिसर्च पेपर्स और वो हेल्पफुल है बट एक लिव्ड एक्सपीरियंस किसी इंसान का होना और किसी की जर्नी देखना वो एक अलग परस्पेक्टिव दे, दे देता है आपको yeah. तो मेरे को लगा यार कि अब मैं हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरे पास है लग्जरी कि मैं बना सकती हूँ कॉन्टेंट शेयर कर सकती हूँ अपनी जर्नी सो वाई नॉट यू नो वाई रॉब द जनरेट To come of this experience. Mm -hmm. But जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हो क्या आपके क्लोज वंस जो मुझे ऐसा लगता है लाइक फॉर लिटिल थिंग लाइक वेरिंग अ ड्रेस माई मॉम वुड बी लाइक घर से मत पहन के जाओ उधर पहन लेना वेर इट एट पार्टी और लाइक वेर अ जीन्स टेकोरिंग क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जो आपके क्लोज वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हो सी वन हंड्रेड परसेंट ये होता है हर फैमिली का होता है और बड़े होते होते मैंने ये चीज समझी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन विच आई फील लाइक एवरी स्पेशली गर्ल बट ऑलो यंग नो की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें लगता है हमारी फैमिली हमें रोक रही है बट एक्चुअली वो इंटेंशन होती है हमारी है हमारी फैमिली हमें प्रोटेक्ट कर रही जैसे मेरे साथ भी कितनी बार होता है कि अगर मैं तैयार होकर किसी शूट पर जा रही हूँ तो मेक श्योर sure कि कार आपके घर के नीचे तक आ रही है यू डोंट स्टैंड आउटसाइड की लोग देख रहे हैं एंड पहले मेरे को लगता था कि यार क्यों मेरे को रिस्ट्रिक्ट करो मेरे को जो पहनना है मैं पहनू मैं जहाँ जाना है जैसे करूँ बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक प्रोटेक्टिव क्योंकि उन्होंने देखी हुई है ना दुनिया द फैक्ट इज़ कि दे नो मोर देन वी डू तो वो प्रोटेक्टिव लेंस से हमेशा थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहती है बट आई थिंक विद टाइम

just such a fun experience you know i've always been very interested in pageantry se meko, you know modeling glamour world and also like watching swishmita sahni and ashwarya all these women and the way they would speak and the, the kind of ways that they would you know uh, take their causes

teach you certain things but is it any different from like what a women pageant would be? Um, I think see the only difference is it's Miss Trans Queen India and not Miss India so the yeah. only difference is our biology the rest is you yeah. know becoming a beauty queen is becoming a beauty queen and no matter if you're a she, her or like a they, them whatever it is अ ब्यूटी क्वीन इज अ ब्यूटी क्वीन सो द ट्रेनिंग इज द सेम प्रेपरेशन सेम तरीके की होती है हम डाइट कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं वे वर्किंग रियली हार्ड एंड यू नो वे डूइंग वर्कशॉप्स विद द पीपल स्पेडिंग आर कॉजेज तो वो प्रेपरेशन सेम रहती है बट इट्स जस्ट की हमारी जर्नीज़ अलग हैं तो अलॉन्ग में वही दो तीन चीज़ें होती हैंट दे हैव टू ट्वीक मे भी कोई किसी तरीके के कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं है या फिर किसी के कुछ कुछ ट्रिगरिंग टॉपिक्स जिनके बारे में हम बात ना करें क्योंकि कोई कंटेस्टेंट कम्फर्टेबल नहीं है तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा यू नो कॉशन ले चलना पड़ता है बट अदर देन दैट

Else, you wouldn't say that allow anyone into the Olympics, no matter if they're capable yeah. or not, because they want to be there. Do you know what I mean? So, thoda sa, I feel like exclusivity maintained is necessary for any field or any competition, but of course, the toxicity never support me. But, and you were 17 when you did this, I was 18. You, you were, have to be 18 to participate. Okay, you were 18, but yeah. I said that.

See, मतलब मेरे पे कभी प्रेशर नहीं था कि काम okay. करो आई नेवर मतलब लकीली गॉड्स ग्रेस मैंने नेसेसिटी से काम शुरू नहीं किया या फिर मेरे को ऐसा नहीं था कि यार कुछ करना है क्योंकि yeah. मम्मी पापा बहन को देखना है इट वॉज जस्ट हमेशा से अंदर पैशन था आज थी और मेरे लिए लकीली रस्ते खुलते गए तो मैंने किया जो मेरा मन किया था mm. बट मेरे पे वो प्रेशर नहीं था तो मेरे हमेशा, of, you know, fun, mm. लिए हमेशा इट वॉज अ मोमेंट ऑफ यू नो इंजॉयंग माई सेल्फ एंड हैविंग फन बट वो इसलिए था क्योंकि मेरे पास ये कम्फर्ट था कि इफ़ इट डजन वर्कआउट ये पैजन नहीं हुआ ये शूट नहीं हुआ ये करियर नहीं चला तो आई हैव अ लविंग Home and you know, very wonderful parents to go back to. Wo security mere thi. Hmm. So security, it was always fun for me. And what did you want to be when you were in school? I wanted to be a girl. <laughs> <laughs> I really genuinely the most thi, wo to har saal tha. I feel like her, everyone starts with a doctor, yeah. then eventually by 10 they realize, okay, maybe we can drop the doctor. <laughs> and then <laughs> But yeah. as long as I can remember, it was like a doctor. Would you like that? Because uh, Bollywood and cricket are like two very uh, important religions in india i would uh -huh. say

कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितनी क्रेजी बात है कि मैंने जो जो सोचा वो हो गया मतलब ऑब्वियसली मेहनत भी करी किसी ने आके नहीं दिया बट इट्स सो वंडरफुल कि मतलब इंसानों के पास ये गिफ्ट है कि आप बैठ के अपनी लाइफ लिख सकते हो एंड जिनके पास प्रिविलेज है स्पेशली उनके लिए तो hmm. हम अभी रिसेंटली मेरा एक बिल लगा था बॉम्बे में और मैं मेरी मम्मी को सरप्राइज़ करने लेके गई और मम्मी और मैं बात कर रहे थे कि यार जब तूने शुरू शुरू में ऐसे वीडियोज़ बनाना शुरू किया था हम ऐसे मॉल्स में जाते थे और तू मेरे को कहती थी अलग कि एक दिन तू भी ऐसे तेरी फोटो लगेगी तेरा बोर्ड लगेगा एंड हो गया सो इट्स रियली फुलफिलिंग ऑल्सो

मुझे बचपन से मैंने जब ट्रांसजेंडर लोगों को देखा है तो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था हीजरा कम्युनिटी तो मेरे मन में भी वही नैरेटिव था जो बाकी लोगों के होता है क्योंकि मैंने भी बाहर से ही देखा है तो मेरे लिए था कि अच्छा ये लोग लाउड होते हैं एंड मे बी ये लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं और दे बैग और लाइक मे बी दे आर नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड देन वेन आई रियलाइज की आई हैव टू एक्सेप्ट बींग इन दैट सेम कैटेगरी जिसके मन में मैंने प्रेज बना रखे हैं

कुछ करना पड़ेगा एंड कुछ प्रॉब्लम है दैट वाज जब प्यूबर्टी शुरू हुई hmm. क्योंकि मतलब उससे पहले तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना लड़का लड़की क्या सब एक साथ बैठते हैं हंसते हैं दिखने में भी मतलब क्या है कितना ही फर्क hmm. होता है बट देन वो वाली एज में जिसमें बॉयज़ की लाइन ये है गर्ल्स की लाइन ये है एंड देन मैंने तो हमेशा सोचा था कि बड़े लड़की बनना है तो जब आप डेवलप हो रहे हो आदमियों की तरह मुझे बड़े ये बनना है क्या आई 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 ऑलवेज न्यू सी डोंट नो नेवर थाट कि आई वज गी अ मैन आइड मतलब मैंने कभी विजुलाइज़ किया ही नहीं मेरे को हमेशा से था कि अब बड़े होकर तो लड़की बन जाऊंगी एंड लाइक डन था मेरा बचपन से आई वु वुड प्ले आई वुड टेक अप रोल्स ऑफ लाइक बींग द मॉम और प्लेइंग विद फैमिलिन टॉयज नॉट दैट दैट सेज एनी थिंग बट मेरे को हमेशा से इंक्लिनेशन था फैमिलिन तरफ तो मेरे लिए बिगर शौक ये नहीं था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ बिगर शॉक ये था कि लाइक मैं फिजिकली मेल हूँ और वो फिजिकल

फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट आई वॉज सो इन एक तो अगेन लाइक बींग ट्रांसजेंडर वॉज ऑलवेजेटिव वॉट एल्स वॉज नेगेटिव फॉर मी वॉज लड़की क्योंकि बचपन से अभी तक जो लोग मेरा स्कूल में मजाक उड़ाते थे वो मुझे लड़की 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 कह के मजाक उड़ाते थे तो मेरे मन में लड़की वर्ड की कॉनिटेशन ही नेगेटिव हो गई थी तो अब ये बात एक्सेप्ट कर पाना खुद से कि यार जिस चीज़ के लिए मेरा मजाक उड़ा जा रहा है असल में है वही है चाहे गलत हो या सही हो लेकिन मेरा भैया लेकिन मेरे लिए ले तो वो नेगेटिव हो गया ना hmm. मैंने तो इस आइडेंटिटी को पूरा मतलब नेगेटिव चीज़ों से बुलिंग से स्कूल में हंसी मजाक hmm. से एसोसिएट कर लिया तो उससे गेट ओवर करना भी थोड़ा मुश्किल था बहुत ज़्यादा एंड हु योर लाइक सपोर्ट सिस्टम मतलब शुरू में जितना उनको they took their time बट yeah. ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक भी मोमेंट ऐसी नहीं थी जहाँ पे मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट हो मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया तो भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि टाइम लगेगा जैसे भी होगा बट कम अराउंड एंड आई नो दे हैव माय बैक और ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी कह पाना अपने पेरेंट्स के लिए इतनी एक्सट्रीम यू नो न्यूज जब आप उनको बता रहे हो तो डेफिनेटली फैमिली क्योंकि फैमिली से ना मतलब इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट आपके पेरेंट्स जैसे आपको ट्रीट करते हैं फिर आपके एक्सटेंडेड फैमिली उसको फॉलो करते हैं तो मेरे पेरेंट्स ने भी कभी ऐसे बेचारा बेचारा या हार्ट ब्रोकन एक्ट नहीं किया कि रिश्तेदार आके कुछ बोल पाए एंड वंस यू हैव योर पेरेंट्स यू हैव एवरीथिंग या यू सेड इन एन इंटरव्यू दैट योर मॉम सेड कि मुझे अपने बच्चे की सुननी थी एंड द अदर साइड वाज माय हस्बैंड या व्हाट वाज दैट लाइक व्हेन यू हर्ड योर मॉम से दैट हार्ट ब्रेकिंग था थोड़ा थोड़ा सा वाज़ लाइक ओह डैम, बिकॉज वो ना मतलब ऐसे मेरे को शीशा सा दिखाया गया कि मैंने इतना मतलब मेरी जर्नी में ऑब्वियसली मैंने इतने इंस्टेंसेस फेस करे हैं जहाँ पे मेरे को लग रहा है कोई मेरा पर्सपेक्टिव क्यों नहीं देख रहा नहीं। क्योंकि जब मैंने ट्रांजेक्शन शुरू करी थी सब ऐसे दिखा रहे थे कि क्यों ऐसे कर रहे हो तुम्हारे मम पापा को बुरा लगेगा तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी हमारी फैमिली का नाम ये वो ये वो तो मुझे लगा था कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा पेन क्यों नहीं सोच रहा बट देन मेरे को बाद में पता लगी आई काइंड ऑफ डिड द सेम थिंग टू माई मदर क्योंकि उनका वैलिड पॉइंट था शी सेट टू मी कि बेटा मेरा बच्चा उदास था उसको एक चीज़ चाहिए एंड देर इज़ माई हस्बैंड हु डिड नॉट वॉन्ट मी टू ट्रांजेक्शन माई फादर वॉज इन अलॉन्ग विद इट शुरू में और उनको अलग चीज़ कही है और दोनों मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार में इन्हीं दोनों लोगों से करती हूँ और वो अलग अलग चीज़ मांग रहे हैं सो so, वो स्टेट में डिसीजन ले पाना ना ले पाना किसकी साइड लूँ और वो पूरा टग ऑफ वॉर मतलब कितना मेंटली चैलेंजिंग होगा उनके लिए mm. और मैंने भी मतलब जब तक उन्होंने बताया नहीं मैंने भी रियलाइज़ नहीं करा तो मेरे को थोड़ा सा गिल्ट और शेम हुआ कि यार मे बी आई एम नॉट दैट ट्यून्ड इन विद माई फैमिली जितना मेरे को लगा था बट इट्स गुड दैट वी कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई मीन जिन जो पेरेंट्स इस सिचुएशन में है वेर देट नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन आई ऑलवेज से दिस कि आस्क योर सेल्फ एंड रिमाइंड यूर सेल्फ कि आपका बच्चा अपनी लाइफ का हक मांग रहा है और आप उसकी लाइफ का एंड आई थिंक एक इंसान को अपनी लाइफ पे हमेशा सबसे ज्यादा हक होगा इंस्टेड ऑफ किसी और की तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट या एंड डिड डिड थिंग्स चेंज आफ्टर दैट लाइक वर यू मोर लाइक एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योर मॉम absolutely i mean i had to keep checking in with her or for me ko we always have this thing my mom and i when jab wo cook kar rahi hai ya kuch we're in the kitchen together or we're in the room together hum aise purani baatein karte rehte hai i think that's a universal thing mummy aise purani baatein pata hai aise so we have a lot more of those now Hmm. Tell me what uh, what was most challenging? Was it physically more challenging or mentally more challenging for you? Just going through this, the whole transformation. Um, दिस इज अ डिफिकल्ट लाइक दिस इज अ लूप होल टाइप क्वेश्चन क्योंकि इसका एक आंसर नहीं है क्योंकि इट वॉज मेंटली चैलेंजिंग ये क्योंकि आसपास के एक्सपीरियंस नेगेटिव है बुलिंग फैमिली का सपोर्ट नहीं है आप खुद को रिप्रेजेंटेड नहीं फील करेंटी मेंटली चैलेंजिंग बट अपना जो खुद का मेंटल प्रेशर है दैट इज कमिंग फ्रॉम अ फिजिकल सोर्स लाइक आई एम लुकिंग एट माई बॉडी तो देर इज अ फिजिकल प्रॉब्लम बट दैट्स हर्टिंग मी इन माई माइंड ऑल्सो तो इट्स लाइक वेरी कोर रिलेटेड यू कान पिक एंड चूज क्या क्या And just from what information I have gathered from Bollywood movies, I think that it is very, very, very trusted, very course. painful, Almost and very risky to go through a oh. transformation. Uh, did you like? How did you read up about it, or how did you get like the motivation to get the yeah. surgery done? I haven't had the surgery. I am okay. going to have the surgery. Okay. So the thing is, you uh, you can start the medicines as eighteen. Then okay. you have to be on the medicines for a year. Okay. Then you're ready to have your surgery. Okay. So I'm in the works right now. Um, And how did I know? I knew that like, it it just wasn't a question for me. I knew yeah. that I would rather take the risk and be that way instead of live a miserable life. Aise. मतलब मैं इतनी नाकुश थी कि मेरे लिए surgery का या दवाइयों का डर कम हो गया था. मतलब मेरे को था कोई बात नहीं. मेरे को रिस्क लेना है, but मेरे को वही लाइफ चाहिए. Yeah, but like. I think like any surgery that any person would go through, even if it's like a root canal, they would watch like very scary videos on YouTube yeah, to just see what yeah, they're gonna go through. Yeah. Did you have that phase where you would like I did, I did. I watched content and maybe like I I would just like those surgery videos and all, and I would read people's experiences like, yeah. and it's not uh not that any surgery is easy, but this yeah. is particularly intense. It's maintenance and like after care and recovery it's mm -hmm. intense. Hoti hai. तो मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा डर फिज़िकल पेन आई एम गुड विद आई कैन टॉलरेट पेन बट सबसे ज़्यादा डर जो मेरे को लगता है ना कि जब सर्जरी करवा के आप बेड रेस्ट में होते हो और आप अकेले होते हो uh, मतलब मेरे पास ऑब्वियसली तो फैमिली होगी बट वो टाइम जिसमें आप पेन में भी हो और आप एक जगह पे भी हो आप अपने आपको बाहर जाके डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते

तो मैनी कंट्रीज दिल कवर इन इंश्योरेंस दिल गिव यू अस एक्सचेंज फॉर फ्री इन इंडिया यू कैन गेट इट फॉर फ्री एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट देन इफ यू गो टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इट चेंजेस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंड इट चेंजेस फ्रॉम टेक्निक टू टेक्निक कुछ टेक्नीकस हैं जिसमें वो यू नो सिर्फ आपकी स्किन यूज़ कर रहे हैं एक टेक्नीक है जिसमें वो आपके इंटस्टाइन का ग्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो

Indian doctors, when it comes to a surgery like this, mm -hmm. do you think they are like sensitized enough to like deal with patients, or do you think they still ask like questions like mm -hmm. lagta when a woman goes to a doctor and they want to ask about their sex life, they ask like, You married? Hai hai. Ho. <laughs> <laughs> married ho ya ho. So, do you think doctors are sensitized enough to like deal with like such surgeries? See, I'm lucky enough to go to a private institution which is. एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसजेंडर पीपल मतलब वो है ही पूरा ट्रांसजेंडर क्लिनिक तो मेरे लिए वहाँ का एक्सपीरियंस ठीक है जहाँ तक मेरी ट्रांजिशन रिलेटेड मेडिकल जर्नी है बट उसके अलावा मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मे बी अगर मुझे कोई ब्लड टेस्ट करवाना है और इफ़ आई है वट एवर तो बहुत सारे लोग हैं जो नई सेंसिटाइज होते like, अभी रिसेंटली आई हैव टू लूज सम वेट आई नीड टू लूज वेट सो आई कैन अभी

Okay. so it's ideal if you can be at a healthy BMI and a healthy weight outside of these transition related surgeries so many times just now I am talking to a dietitian and I have been through many dietitians for the, losing my weight yeah. and I tell them that I am transgender and this is this and this and that and then they ask me questions like your lifestyle kaise, kaise, kaise? not once has a dietitian not asked me that okay your periods are cycle kaise? and I am like I just told you I am transgender I don't have that so yeah. which is not their fault again because I that

I love that you're like marketing your content that I think it's a great strategy. <laughs> I know, right? Like, if you're gonna be problematic, like, I'm gonna use it against you, capitalize yeah. on everything. <laughs> um, but how did it come out? Uh, yeah, um, I always grew up watching these influencers and all. Hamari time but YouTube was bigger. Now I feel yeah. like it's more of an Instagram. What do you mean, Hamari time? This is your time. <laughs> I mean, <laughs> when I was like in school and all. Yeah. Yeah. it was time where YouTubers were big and all these like challenges used to happen and like slime and I don't know whatnot. So I used to watch all these people and I have a younger sister.

तो वी वुड जस्ट सिट विद आउट ब्लैंकेट्स एंड एंड वुड प्रिटेंड लाइक व्यू आर सेलिंग इट तो हमको वीडियोस बनाने का शौक हमेशा से था एंड माय मॉम पोस्टेड दोन यूट वेरी लॉन्ग डांसिंग एंड रैंडम थिंग्स एंड इवेंचुअली वन आई ग्रो अपन आई वो ट्राई देन आई ट्राइड एंड आई स्टॉप बिकॉज लाइक इट बिकॉज आई वज डूइंग इट एज अ गायट दट टाइम तो मैं पूरा फुल इंजॉय भी नहीं कर पा रही थी एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी देन इन लॉकडाउन

मतलब थोड़ा सा कंफर्ट था इन द फैक्ट कि अब मुझे बाहर जाके किसी को फेस नहीं करना है तो अगर इफ आई मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट कल मुझे जाके स्कूल में किसी को उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है तो इन लॉकडाउन इज रियली व्हेन इट स्टार्टेड या एंड हाउ इज इट लाइक अर्निंग योर ओन मनी लाइक स्पेंडिंग इट द वे यू वांट इट्स रियली एक्साइटिंग बिकॉज़ i don't know i feel like as soon as like you start earning it you yeah. just feel so like oh my god i can order my own food like <laughs> i can order kfc and rathko kui kushni like i can take my mom out on a trip i'm taking her to Goa now she's so excited but it's it's fun yeah it's this certain kind of independence that you get and the confidence that you get you yeah. ja and i mean i do indulge every now and then in like junk food or like my hobby like i recently bought a barbie doll and, like, <laughs> that was my know. next question. Like, what's the most useless thing that you bought with Girl, your own? it's money? not useless. What are you talking about? <laughs> it's a really valued piece. So, I'll tell you, I grew up with Barbies. That was my whole thing. My Mossy, she used to yeah. work in a parlor, and that was right next to Rajori Market. Okay. And that's where they would have the original, expensive Barbies, not like the cheap plastic ones. Yeah. So, she would take me there, I would buy a Barbie. And, in our Purane, ghar mein, there was like this kitchen. And, you know, this Purane kitchen with like,

I I I I am transgender, I am transgender or from the queer community. See, I, I, I don't think बताना जरूरी है मतलब किसी के लिए भी वो sure. आपकी पर्सनल कॉल है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है जिसको बताने का मन करता है बताओ नहीं बताने का मन करता है नहीं बताओ एंड लाइक आई ऑलवेज से दिस कि जितना मतलब मेरा मन करता है कि मैं आपको ऐसा आंसर दे पाऊँ कि येस गाईज लिव योर ट्रूथ अपने पेरेंट्स को बताओ बी बोल्ड बी स्ट्रॉग बट द रियलिटी इज़ की दुनिया का हर पेरेंट मेरे पेरेंट जैसा नहीं होता एंड लाइक like, जितना भी हम बोल रहे कि हर पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता है कर सम them डोंट एंड उसके आप अपनी सिचुएशन खुद एनालाइज करो क्या आप सेफ़ हो आपको पता है कि आप इस घर में रह पाओगे उसके बाद नहीं तो कीप इट विद योर सेल्फ स्टार्ट अर्निंग बिल्ड अ लाइफ योर सेल्फ तब जाके मे बी ट्राई जब तक आप डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पर पे और आपको हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं है कि दैट कनेक्शन एंड दैट कम्फर्ट एंड सेफ्टी ब्लैंकेट इज़ नॉट गी टेकन अवे

I have to tell everyone like it's it's not double standard है right? ना like you don't have to tell that you're straight to anyone but yeah. if you're gay you have to tell them and like अगर love is love and we're celebrating our love and we're doing a pride parade तो सबको बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों show मचा रहे हो बाहर क्यों जा रहे हो but if a guy and a girl are in love और वो बारात लेके जा रहा है तब तो किसी को गुस्सा नहीं आता कि पै 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 क्यों हो रहा है such a double standard yeah yeah and coming to pride month tell yeah. me how how is it being from the queer community in the pride month do you think that बहुत ही हिपोक्रेट ब्रांड्स भी आते हैं बहुत ही सेल्स होती हैं जो ब्रांड्स वो नॉट एक्चुअली सपोर्टेड डू यू थिंक दैट हैपेंस और डू यू थिंक दैट इट्स ओके टू हैव लाइक अ मंथ वेयर यू सेलिब्रेट द क्वीयर कम्युनिटी आई मीन सी टोकनिज्म तो किसके लिए नहीं है वुमेन्स डे पर भी मतलब सबको वुमेन की याद आ जाती है उनकी मम्मिया की फोटो तो भी डलती है कि मैंने मम्मी मेरी मम्मी अमेजिंग है फादर्स डे पे फादर तो टोकनिज्म तो हर मतलब हर लेवल के लिए मैन वुमन अदर एनिमल जो भी है आपका कोई ना कोई तो फायदा उठाने आएगा ही एंड इफ यू अर ट्रांसजेंडर और क्वियर क्रिएटर डोंट वरी अबाउट इट टेक द कॉइन लाइक इफ इट्स कमिंग टू यू डू द वर्क डोंट डोंट इंटलेक्चुलाइज इट टू मच लाइक इट वैल यू कैन बट ऑब्वियसली आइडियली सिचुएशन बेटर होनी चाहिए एंड लाइक प्राइड शुडन भी एक महीना यू शुड भी सपोर्टिव ऑल ईयर अराउंड थोड़ा सा एम्प अप कर लो इन द सीजन बट यू शुड जस्ट लेट इट गो एज सून एज द मंथ इज ओवर कि जुलाई पे मैं खटखटा दूँ कोई ब्रांड आंसर नहीं कर रहा लाइक दैट बट प्राइड फॉर मी है इट्स रियली हैप्पी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ऑलसो पोस्ट आउटसाइड ऑफ ब्रांड्स प्राइड में द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट आई मेक एंड अ लॉट ऑफ यूर पीपल कम टुगेदर पीपल डोंट रियलाइज की छोटी छोटी चीजें ना देर लाइक अ बटरफ्लाई इफेक्ट कोई बच्चा वहाँ पे देख रहा है जिसने अभी अभी देखा कि लाइक मेरे जैसा कोई और भी है बिकॉज आई फेल्ड पागल फॉर द लॉन्ग टाइम मैं अकेली हूँ दुनिया मेंिसन आई रिमेंबर इनिशियली वैन आई सो फ्यू क्रिएटर्स एंड इन एंड आई रिमेंबर फ्रॉम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जीज़ लाइक मी शी गेट्स इट शी नोज माई स्टोरी तो उस वे में इट्सरी टू हैव एक साल का ऐसा टाइम जिसमें आप हाईलाइट कर सकते होर uh on like like the social media influencer community is more accepting or do you think people in like bollywood or the bollywood industry is more accepting um or like none i think people uh, people are accepting in both industries on hmm. Instagram, uh, people were good. I've been to one Bollywood event and everyone was really sweet and really chill there. And Which Bollywood event is this? Tell was, uh, us about it. Was a, it was a screening for Hira That's oh. my first like big red carpet and all. And okay. I remember going there and I was like, Koi mujani janta. And I was so scared and so nervous. And I was doing the carpet. And then one person was like, Ella here. And I was like, Oh my god, kisi ko pata hai, <laughs> I'm a celebrity. Patta, I was like, chill about it. Yeah. But do you know what it is? Instagram, maybe brands are cool, creators are cool. Bollywood, maybe people who are working are cool.

Okay. And Rosella and you dilemma corn ballpa. So I just took Ella. Did you choose your name yourself or like yes. and did you like consult with your like mom or dad? Like what should my name be? I did. My mom wanted to my mom has really liked the name Vanchika. She okay. wanted to name my sister also that, but then <laughs> my daddy gave another name. Okay. So she was like, "Let's do Vanchika, yar. I have like God's given me a second chance." I was like, "No, that's not happening." <laughs> then they were like, "They really like Dev, my birth name. They really like that name." I was like, "I also like that name." Initially, I thought, "Yeah, I'll just keep that name." Yeah. But bad me, I really liked Ella. But also, I knew that like this is a part of who I am. You know, Malab, Dev. इतनी लंबी जर्नी एंड मेनली इतने सारे अवॉर्ड एंड सर्टिफिकेट्स अंडर देव के नाम के हैं सो आई रियली स्मार्ट मूव आई मेड माय लीगल एंड वी and i was trying on clothes yeah तो कपड़े ट्राई करते करते आई जस्ट केम आउट ऑफ द ट्रायल रूम मैंने लगे नहीं लेने कपड़े मम्मी घर चलो शी वॉज लाइक वाई 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 टास्किंग फिर मैं बहुत जोर से रोने लग गई बिकॉज आई वॉज़ वेरी मतलब सी वन योर ट्राइंग क्लोथ्स एंड योर बॉडी इज इन हाउ यू वॉन्ट टू बी तो आप महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो इफ़ यू डोंट लाइक योर बॉडी तो आप खुश नहीं हो पाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को हिट हुआ यार कि मैं कुछ भी पहन लूँ मैं वैसी नहीं लग पा रही जैसे मेरे को चाहिए लाइक मैं मेन सेक्शन की सबसे महंगी आइटम भी पहन लूँगी तो भी मैं खुश नहीं होंगी सो दैट वॉज यू नो अ बैड एक्सपीरियंस

I don't care, girl. If I'm getting the coin, why not? <laughs> okay. How would you respond when somebody misgenders? Like, calls you? Right? It really um, doesn't bother me. It used okay. to bother me in the beginning, but I realized that, like, they boldia so I'm to jaungi. Do you know what I mean? So, like, ठीक है इफ यू वांट टू टेक बिकॉज़ रियलिस्टिकली आल्सो आई एम अ वेरी फेमिनिन लुकिंग पर्सन तो इफ समवन इज रेफरिंग टू मी एज़ अ गाय उसको ज्यादा मेहनत लग रही है मेरे से तो so, तुम कर लो तुमको अपना दिमाग ऐसे खराब करना है तो या एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू समबडी हु लाइक एडमायर्स योर करेज स्टे हैप्पी आई लव यू थैंक यू एंड व्हाट अबाउट अ कलीग हु वुड लाइक मेक एन इंसेंसिटिव जोक गर्ल आई विल गेट द प्रमोशन यू कैन मेक योर इंसेंसिटिव जोक्स ओवर देयर एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एला दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन

No, but that's that's I really like when somebody is willing to have a conversation because the second option is that you karoge assumption and karo you Yeah. So it's better to let it out. Yeah. Khoi no, no one's going to be mad at you guys. Just ask your questions respectfully, and everyone's open. Yeah. So if anybody has a doubt, should they hit your DM and like ask you questions or you no? Talk to my manager. <laughs> <laughs> Perfect. Thank you so much for giving us time. Can you tell everybody to subscribe to Switch? Hi everyone. Please be sure to subscribe to Switch so you can watch more cool interviews just like this one.